खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टीवी, वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान, कैब के विरोध में सहारनपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद। गोमती नगर के पुलिस मुख्यालय में सीएम योगी ने साइबर क्राइम और बच्चों से जुड़े अपराधों पर की बात। नागरिकता बिल को लेकर यूपी में भी तनाव, बिल के विरोध में एएमयू में रैली, कैंपस से डीएम कार्यालय तक निकलेगा विशाल जुलूस। अयोध्या में खुला पहला पुलिस पर्यटन बूथ, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया बूथ का उद्घाटन। अब अयोध्या में पर्यटकों को 24 घंटे मिलेगी सुविधा। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का बयान, कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं, 2024 तक भारत में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। नागरिकता बिल पर प्रदेश अध्यक्ष का बयान, भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा अगर कोई इस बिल पर गुमराह करे तो आगे कर दे जवाब। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, कहा कैब की जगह महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया होता तो अच्छा रहता। डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ की बैठक, कहा अयोध्या से लेकर जगदीशपुर तक सड़क को किया जाए 4 लेन। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से जोरदार टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। ट्रक चालक मौके से फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को की लिया कब्जे में, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में लूट का खुलासा, पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस सहित अन्य चीजें बरामद। फरुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत, मौत से गांव में मचा हड़कंप, दोनों शवों को पुलिस ने लिया कब्जे में। बस्ती में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, बेमौसम बरसात से किसानों की फसलें संकट में, गेहूं की फसलों को भारी नुकसान, बड़ी ठंड। रामपुर में 7 साल के मासूम के अपहरण के बाद हत्या, पुलिस ने मासूम की हत्या का किया खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते बहन ने ही की थी भाई की हत्या। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, शेष अपराधियों की तलाश जारी, पुलिस ने जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का किया दावा। महाराजगंज में भारी बारिश ने बढ़ाई ठंड, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, बारिश ने तापमान में भारी गिरावट की दर्ज। उन्नाव के परियार घाट में गंगा तट पर 150 लाशें मिली, ग्रामीणों ने इन लाशों को लेकर खनन माफिया पर लगाया आरोप। फरुखाबाद में पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल, जहां एक दरोगा ने जांच के बाद खुद को ही दी क्लीन चिट, मामले में ACJM कोर्ट ने जांच दूसरे थाने में ट्रांसफर की। कानपुर देहात में लेखपाल संघ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे, किराया भत्ता सहित लेखपालों की 18 सूत्रीय मांगे। ललितपुर में MM बेग के नेतृत्व में पुलिस बल पुलिस लाइन से जॉगिंग करते हुए PWD गेस्ट हाउस वर्णी चौराहे पहुंचे, पुलिस बल ने किया योगाभ्यास। योगाभ्यास करते हुए SSP ने लोगों को शारीरिक व्यायाम के लिए किया जागरूक, स्वच्छता को लेकर लोगों को दिए निर्देश। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जिला मुख्यालय में किया जोरदार प्रदर्शन, निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग। हिंदू महासभा की महिला पदाधिकारी ने खून से लिखा पत्र, DM को सौंपा ज्ञापन, पदाधिकारी ने दोषियों को फांसी देने के लिए जल्लाद बनने की जताई इच्छा। ठंड को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, बोले अचानक ठंड बढ़ गई है, आप सभी अपना ख्याल रखें, रैन बसेरों में सभी सुविधाओं को सही करने के दिए निर्देश। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित स्कूल समिट में पहुंचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कहा प्रदेश में खुलेगा पुलिस स्कूल और कौशल विकास यूनिवर्सिटी। मिड डे मील को लेकर बोले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, कहा परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को मिड डे मील बनवाने की जिम्मेदारी से किया जाए मुक्त। फिरोजाबाद में नागरिकता बिल का विरोध, विरोध कर रहे लोगों ने दुकानें की बंद, संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात।
बहराइच में शॉर्ट सर्किट की वजह से अनाज मिल में लगी आग। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची, 4.5 करोड़ का नुकसान। बीएचयू के दक्षिण परिसर से पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम को हटाने की मांग, कांग्रेस नाम हटाने के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ में मौसम ने ली करवट, बारिश के साथ पड़े ओले, ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर किया मजबूर।